हम लड़ रहे हैं, हम हर एक उस तबके के लिए लड़ रहे हैं जो जिसको धकेला जा रहा है कि आप सस्ती शिक्षा नहीं ले सकते। हम इस सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि जब आप बोलते हैं कि सबके लिए शिक्षा, सबका साथ, तो आप किसके सबका साथ का बात करते हैं? यहाँ पे अगर किसी का साथ दे रहे हैं वो सिर्फ है कॉर्पोरेट का। कि जब तक इस कैंपस में जो IHA ड्राफ्ट को इलीगली इन लोगों ने IHA मीटिंग में 28 तारीख को पास किया है, जब तक उसका रोल बैक नहीं होता है, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता है, तब तक इस कैंपस के अंदर कोई भी मीटिंग, कोई भी काम इस वाइस चांसलर के साथ नहीं चलेगा। हमने देखा था परसों जब हम लोग कॉन्वोकेशन के बाहर गए थे और आराम से एक मार्च लेके जा रहे थे, तो किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने वहाँ पे मारपीट किया स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ पे ब्लेड यूज किया गया, सिविल ड्रेस में टीयर गैस से लेके वाटर कैनन तक यूज किया गया, लेकिन हमारी JNU की जो हिम्मत है उसको नहीं तोड़ सके। और स्टूडेंट्स ने उस दिन भी ठान लिया है कि जब तक वाइस चांसलर आके हमें नहीं मिलेगा, तब तक हमारी ये जो लड़ाई है ये खत्म नहीं होगी। चाहे कोई भी लाठी चार्ज कर ले, चाहे कोई भी वाटर कैनन हमें मार ले, हम किसी भी तरीके से बैठने वाले में से नहीं है। क्योंकि आज ये क्वेश्चन पब्लिक एजुकेशन का सिर्फ JNU की बात नहीं है, आज हम लोग हर एक उस पीढ़ी के लिए बात कर रहे हैं जो इस कैंपस में शायद कभी नहीं आ पाएगा। और आज शायद हम लोग बहुत सुरक्षित है कि अभी भी हम लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, जो उस दिन कॉन्वोकेशन में डिग्री लेके जा रहे थे और फिर भी हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? उनको तो डिग्री मिल चुकी थी। वो इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि JNU जो पब्लिक एजुकेशन का आइडिया को 50 साल से डिफेंड कर रहा है, उस आइडिया को आने वाले सालों में भी प्रोटेक्ट करे और डिफेंड करे। क्योंकि पब्लिक एजुकेशन में जिस तरीके का JNU ने एक एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन का मॉडल किया है हर वक्त डिफेंड, उस मॉडल को डिफेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस टाइम पे हम लोग देख रहे हैं बार बार ऐसे पॉलिसीज हायर लेवल पे लिया जा रहा है, जो सर भी बोल रहे थे यहाँ पे कि ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि किस तरीके से सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस आने चाहिए, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को खुद की जो ऑटोनॉमी से फाइनेंस को जेनरेट करना पड़ेगा, और उसी ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात इस वाइस चांसलर इस कैंपस में लाना चाहता है और इस यहाँ की पब्लिक एजुकेशन को ख़त्म करना चाहता है। हम यही बोलना चाहते हैं कि हम JNU में जब बात करते हैं पब्लिक एजुकेशन के लिए, सिर्फ JNU के लिए नहीं बात करते, हम हर एक उस संस्था के लिए बात करते हैं जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को ढकेला जा रहा है। और आज कल उत्तराखंड से कुछ स्टूडेंट्स आए थे मेडिकल कॉलेज से JNU SU से सॉलिडारिटी मांगने, और मिलने आए थे यही बोलते हुए कि उनका फीस मेडिकल का 80,000 हुआ करता था, और अचानक से एक दिन नोटिस आता है बोलते हुए कि आपका फीस 2,15,000 हो गया है। वो लोग कोर्ट मूव किए, कोर्ट ने इमीडिएट स्टे दिया, उसके बावजूद वहाँ पे वो फीस को लागू किया जा रहा है और वो एक लंबी लड़ाई लड़ रही है, 45 दिन का भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। वी शुड सल्यूट टू द स्टूडेंट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर मीडिया इज नॉट रीचिंग टुडे, वी आर प्रिविलेज्ड इनफ दैट द मीडिया इज हियर। उनकी 45 दिन का भूख हड़ताल चल रही है और हमें पता भी नहीं है अगर वो कल JNU नहीं आते। और ये बता देना चाहेंगे उसमें से एक कॉलेज ऐसा है जो किसका है, वो रमेश पोखरियाल का है जो हमसे मिलने आए थे, जो चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, और तब वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बनाए थे उनके नाम पे है, और आज वहाँ पे उत्तराखंड में प्राइवेटाइजेशन को किस तरीके से ढकेला जा रहा है सारे मेडिकल कॉलेजेस में, कि स्टूडेंट्स खुद ब खुद पढ़ाई छोड़ने में मजबूर हो रहे हैं। और आज जब हम लड़ रहे हैं, हम हर एक उस तबके के लिए लड़ रहे हैं जो इसको धकेला जा रहा है कि आप सस्ती शिक्षा नहीं ले सकते। हम इस सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि जब आप बोलते हैं कि सबके लिए शिक्षा, सबका साथ, तो आप किसके सबका साथ का बात करते हैं? यहाँ पे अगर किसी का साथ दे रहे हैं वो सिर्फ है कॉर्पोरेट का। और ये मॉडल ना JNU में चला है ना इस देश में चलेगा। आप देखिए आज सिर्फ JNU आवाज़ नहीं उठा रहा है, IIT भी आवाज़ उठा रहा है, DU भी आवाज़ उठा रहा है। कल जो फेटकुटा डूटा का मार्च है वहाँ पे आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी सॉलिडारिटी दे रहे हैं, JNU के स्टूडेंट्स भी सॉलिडारिटी देंगे, क्योंकि एक लंबी लड़ाई है और ये लड़ाई आने वाले टाइम में जारी रहेगी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। क्योंकि धीरे धीरे ये लोग सोच रहे हैं कि अगर हम लोग JNU को पकड़ में कर लें तो हम JNU में हैवीली प्राइवेटाइजेशन आने वाले टाइम में ला के इसको ख़त्म कर देंगे। आप
देखिए वाइस प्रेसिडेंट क्या ट्वीट करता है कल, क्या आई एम प्राउड टू नो दैट जेएनयू में विमेन को स्पेशल स्टेटस रिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलता है। तो हम वाइस प्रेसिडेंट को बताना चाहते हैं कि आपका ही नियुक्त वाइस चांसलर ने उस रिप्रीवेशन पॉइंट को खत्म कर दिया है रिसर्च से, जिसके वजह से आज ये यूनिवर्सिटी सफर कर रहा है। जब 2018 में मैंने एमफिल में एडमिशन लिया था, मुझे कोई एज अ वीमेन डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं मिला था। और तमाम सारे ऐसे महिला जो गांव से उठ के रूरल बैकग्राउंड से डिप्राइव्ड सेक्शन से मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते, उनको वो डेप्रिवेशन पॉइंट्स नहीं मिला था 2018 से, क्योंकि यही वाइस चांसलर है जिसने उस डेप्रिवेशन पॉइंट्स को खत्म कर दिया था और यूनिक कैरेक्टर ऑफ जेएनयू को खत्म कर दिया था। तो ये याद रखने की जरूरत है कि ये वाइस चांसलर क्या चाहता है इस कैंपस में और ये वाइस चांसलर किसका है। Let's not be innocent enough. ये वाइस चांसलर को नियुक्त क्यों किसने किया है? अगर MHRD और पोखरियाल को लग रहा है कि चार JNU-SU के लोगों से मिलके वहाँ पे बात करके हमें बोल के कि मीटिंग करवा देंगे और हम लोग चुप बैठ जाएंगे, तो नहीं है। उस दिन आपसे मिल के आए हैं, यहाँ पे आज प्रोटेस्ट दर्शाया है। आने वाली इस वीक के अंदर अगर अपनी मीटिंग नहीं बुलाया JNU-SU के साथ, तो आप संसद भी घेरेंगे। हमें डर नहीं है, हम संसद भी घेरेंगे, हम MHRD घेरेंगे, क्योंकि आज हमारी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। इट्स अ राइट, इट इज द फाइट फॉर द राइट टू स्टडी टुडे। क्योंकि आज अगर हम जेएनयू को नहीं बचा पाएंगे तो हम अपने पढ़ने की लड़ाई को खत्म कर देंगे, हम हमारी पढ़ने जो राइट टू स्टडी है उसको खो चुके होंगे। क्योंकि आज हमें समझना पड़ेगा कि हर दिन हमारे लिए एक संघर्ष होगा, हम उठेंगे लड़ेंगे, शायद कुछ चीजें हम हासिल करेंगे, कुछ चीजें नहीं करेंगे, लेकिन अगली सुबह हमें फिर से उठ के लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग यही कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि पहले दिन 5,000 लोग आएंगे और इनको धीरे धीरे डीमोबिलाइज करके डीमोटिवेट करके लास्ट दिन तक 100 लोग रहेंगे। लेकिन हम इस सरकार को वाइस चांसलर को बताना चाहते हैं कि JNU की स्टूडेंट्स ने इस बार ठान ली है, हम 5,000 पहले दिन थे, 5,000 और 8,000 लास्ट दिन तक रहेंगे। आप किसी भी तरीके से किसी भी डीमोबिलाइजेशन से अगर आप सोच रहे हो वाटर कैनन लाठी चार्ज इनसाइड द कैंपस कुछ भी करके हमको हटा सकते हो, तो आपको साफ साफ बोलते हैं कि आइदर डायलॉग में आइए नहीं तो इस कैंपस से बाहर जाइए। ये हमारा क्लियर स्टैंड है कि आइदर यू बिकम द वाइस चांसलर यू शुड बी और एल्स यू क्विट बीइंग द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, बिकॉज वी डोंट नीड अ वाइस चांसलर हु इज इनकॉम्पिटेंट टू एडमिनिस्टर दिस यूनिवर्सिटी एंड हु इज अटैकिंग द एकेडमिक एक्सीलेंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। जैसे शरद सर भी बहुत अच्छे से बोल रहे थे यहाँ पे कि JNU को जाना जाता था उसके सोच के लिए, और JNU सिर्फ ये दीवार नहीं है, JNU ये सारे आप से बनती है, हम से बनती है। JNU इसी सोच का एक रिफ्लेक्शन है कि यहाँ पे हर एक विचारधारा के लोग रहते हैं, हम डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और हम अपने मुकाम तक पहुँचते हैं। JNU हमें वो उस लिए एलिजिबल बनाता है कि हम अपने आइडियाज़ को आने वाले टाइम में देश के सामने रख पाए, और ये हमारी लेगेसी रही है, ये हमारी हिस्ट्री रही है। अगर वाइस चांसलर सोच रहे डरा धमका के वो अपने ही सोच में हमें रंग देंगे, तो हम बताना चाहते हैं कि JNU में हर एक रंग है, हम आपको रंग देंगे, हमारे रंग में आपके रंग में नहीं रंगो। और इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है JNU-SU के तरफ से एक अर्जेंट अपील है कि आने वाले टाइम में ये लड़ाई और टफ होगा। आप देखिए किस तरीके से इसी मीटिंग को यहाँ नहीं करके शायद और कहीं पे चल रहा है, जैसे प्रोफेसर ने भी बताया, जिस तरीके से भी कहीं पे भी चल सकता है, कहीं पे भी चल सकता है, एड ब्लॉक में भी छुप नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग एड ब्लॉक में ही जाके ऑक्यूपाई करेंगे एड ब्लॉक को, क्योंकि हम अभी एड ब्लॉक जाएंगे और अंदर बैठेंगे और पूछेंगे वाइस चांसलर, जब तक नहीं आओगे हम हर एक यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग, हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, हम वहाँ बैठेंगे, अपना थीसिस लिखेंगे, अपना असाइनमेंट्स भी लिखेंगे, लेकिन तुम्हें हमसे बात करने आना पड़ेगा। जो मीडिया में झूठ फैला रहे कि हम बात नहीं करना चाहते, आज हम सब मिलके वाइस चांसलर को बताते हैं आप तो ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं, आइए बात करने, क्योंकि वो हमसे डरता है। आप देखो वो हमसे डरता है और डरने के वजह से वो भाग भाग के फिर रहा है, लेकिन पूछने की ज़रूरत है कि कब तक भागोगे, तुम कब तक भागोगे? आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि एक महीने से आप भाग रहे हो और इसके बाद भी आप भागोगे, आपको स्टूडेंट्स के सामने आना ही पड़ेगा। और जब आप आओगे तो हम आपका बोरिया बस्तर बांध के रहेंगे, आके समझौता करके फिर आपको भेज देंगे बाहर। इसलिए इस बात पे हम पहले JNU-SU की तरफ से आप सबका जो आज प्रोटेस्ट में आए आपको शुक्रिया करना चाहते हैं। और ये जो लड़ाई है, हम लोग जिस तरीके से अभी तक
एकदम एकजुट होकर लड़ रहे हैं। हॉस्टल प्रेसिडेंट एसएफसी जिस तरीके से हम लोग एक साथ मिलके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनका शुक्रिया करना चाहते हैं कि हम लोग आने वाले टाइम में इस वाइस चांसलर को एकदम एक अच्छा सबक सिखाए कि जेएनयू के स्टूडेंट्स मानने वालों में से नहीं है। जेएनयू अपना जो जेएनयू के स्टूडेंट्स है अपना राइट टू स्टडी ये वो सेफ करके रहेगा और बाकी जनरेशन के लिए भी जो पब्लिक एजुकेशन के लिए दरवाजा है वो खोल के ही रखेगा। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपने राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।